आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं Moto Z34 5G और Lava Blaze 2 5G का। सबसे पहले इन दोनों की प्राइस को देखें ना, तो Z34 आपको मिल जाएगा 11,000 रुपए के अंदर, 4128 के अंदर। और अगर लावा को देखें तो ये 4064 के अंदर भी मिल जाता है 10,000 के अंदर। और अगर 11,000 इसके देते हो तो ये आपको 6128 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर 2GB रैम एक्स्ट्रा मिल रही है लावा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 6128 के अंदर मिल जाएगा और मोटो जो है वो 4128 के अंदर 11,000 के अंदर मिलता है। वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सा सही है। और अगर दोनों के डिजाइन को देखें ना, तो भाई साहब इस प्राइस के अंदर दोनों की डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम बनाई गई है। यहाँ पे मोटो के पीछे देखोगे यहाँ पे लेदर की फिनिशिंग मिलती है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी स्पेशली। और जो कैमरा का मॉड्यूल वगैरह है काफी सिंपल सा बनाया गया है। और लावा के पीछे आप देखोगे भाई साहब इस प्राइस के अंदर आपको ग्लास देखने को मिलता है, और जो कैमरा का मॉड्यूल है वो थोड़ा सा राउंडेड शेप के अंदर बनाया गया है। और यहाँ पे आपको एक ना रिंग लाइट भी शो होती है, जो कि यार इस प्राइस के अंदर लावा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पर मैं आपको एक अच्छी राय देना चाहूंगा कि अगर आप लावा का फोन परचेस करते हो तो ये ब्लैक कलर में चूज मत करना, क्योंकि भाई साहब इसको ना आपको कवर के अंदर ही रखना पड़ेगा। अगर आप विदाउट कवर रखते हो तो उसके पीछे बहुत सारे फिंगर चपते हैं, मतलब मोबाइल ना पूरा गंदा सा हो जाता है। और अगर दोनों के अंदर पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे, दोनों के राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, नीचे की साइड में स्पीकर मिलते हैं, नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक और नीचे आपको 3.5mm का जैक भी मिलता है। और लेफ्ट साइड के अंदर दोनों के अंदर ही सिम स्लॉट मिलता है, पर मोटो के अंदर या तो आप दो सिम कार्ड डाल लो या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, पर लावा के अंदर आप साथ में दो सिम कार्ड प्लस एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। और लावा के ऊपर की साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि मोटो के ऊपर आप देखोगे नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। और दोस्तों इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, और इसके अंदर आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं। तो हमने दोनों के अंदर आवाज वगैरह भी टेस्ट करके देखी है, तो मोटो की आवाज थोड़ी सी लाउड निकल कर आती है लावा के कंपेरिजन। और यार दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर ग्लास वगैरह यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे ग्लास से यार लगाकर देना चाहिए था। यहाँ पे देखोगे कुछ भी पन्नी वगैरह नहीं है, और मोटो के अंदर तो कवर भी नहीं आता है, जबकि अच्छी बात यह है लावा के अंदर कि यार कवर तो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर वेट की बात करें तो ये जो मोटो का स्मार्टफोन ये काफी हल्का बनाया गया है, जबकि दोनों के अंदर ही आपको 5000mAh बैटरी मिलती है। और जो चार्जर है वो भी मोटो के अंदर ज्यादा है, 20 वोट का है, और लावा के अंदर आपको 18 वोट का ही मिलता है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, पर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मोटो के अंदर एक्स्ट्रा है। और अगर दोनों की डिस्प्ले को देखोगे तो दोनों के अंदर ही आपको डिस्प्ले लगभग सेम मिलती है, क्योंकि दोनों की जो डिस्प्ले की साइज है 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिलती है। तो दोनों के अंदर यार फुल HD+ दिया जा सकता था, तो दोनों के अंदर ही आपको सिर्फ HD+ ही डिस्प्ले मिलती है। बस डिफरेंस ये है कि आपको मोटो के अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है, जबकि लावा के अंदर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगी। और हमने इन दोनों को धूप वगैरह में भी चला के देखा है, तो मोटो की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट निकल कर आती है लावा की डिस्प्ले से। तो मैं यही कहूंगा कि कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो यहाँ पे मोटो की जो डिस्प्ले वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। और अगर बात करें ना दोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो मोटो के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 695। और आपको बताऊंगा ये प्रोसेसर जो यहाँ पे 15,000 से 20,000 रुपए स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। पर यार मोटो ने मतलब बहुत अच्छा काम किया है कि यार इस प्राइस के अंदर आपको एक इतना अच्छा प्रोसेसर दे रहा है, जो कि 6 NM पर बेस्ड है। और इसके अंदर तो स्कोर वगैरह देखोगे 4,00,000+ देखने को मिल जाते हैं। और लावा के अंदर जो प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर मिलता है, और ये 7 NM पर बेस्ड है, और इसके अंदर भी आपको 4,00,000+ एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करें ना, तो मोटो का प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा निकल कर आता है लावा के प्रोसेसर से। और ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लावा के अंदर भी इस प्राइस के हिसाब से देखो काफी अच्छा प्रोसेसर है। पर अगर दोस्तों दोनों को अच्छी तरह से कंपेयर करें ना, तो यार मोटो का प्रोसेसर जीत जाता है। तो अगर आपको प्रोसेसर के लिए अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो आप मोटो की तरफ जरूर जा सकते हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं दोनों के कैमराज के बारे में, कि यार कैमरा में दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो दोनों के पीछे आप देखोगे जो मेन कैमरा है 50MP का मिलता है, और फ्रंट कैमरा देखो तो यहाँ पे मोटो के अंदर 16MP का मिलता है और लावा के अंदर आपको 8MP का मिलता है। तो यार हम ना मेगापिक्सल पर बिलीव नहीं रखते, इसलिए मैंने काफी सारी फोटोज आपके लिए क्लिक किए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि दोनों में से ना कैमरा किसका बेस्ट है। दोस्तों आप इस फोटो को देखिए, हमने दोनों के अंदर क्लिक किए, लावा के अंदर थोड़ा जूम करते हैं
और यहाँ पे मोटो के अंदर जूम करते हैं तो मोटो के अंदर आप फोटो को देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे पीला पीला हो चुका है, जबकि लावा के अंदर यहाँ पे डिटेल्स काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और भी हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक किए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने पोर्ट्रेट के अंदर क्लिक की है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पीछे हमारे सूरज है, तो यहाँ पे सूरज वगैरह को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, देखिए ये देखिए दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे लावा के अंदर ना स्किन को अच्छे से कर लिया है, जबकि मोटो के अंदर स्किन को तो अच्छे से नहीं कर पाया, पर जो बैकग्राउंड है उसको सही कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए लावा के पीछे आप देखोगे स्काई का जो कलर है वो सही से आपको पता ही नहीं चल रहा है, जबकि इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कर देता है। और सेल्फी के अंदर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो चुका है, जबकि लावा के अंदर ये देखिए सेल्फी के अंदर थोड़ा व्हाइट ज्यादा हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो डिटेल्स है वो मोटो के अंदर ठीक लग रही है, पर अगर आपको थोड़ा गोरा चिट्टा यहाँ पे फोटोज वगैरह अच्छी पसंद है तो लावा के अंदर ये देखिए काफी ज्यादा ब्यूटी को बढ़ा देता है। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा गोरा हो चुका है, जबकि इसके अंदर थोड़ा सा पीला पीला हो चुका है। ये देखिए हमने सूरज की फोटो क्लिक की ताकि आपको पता चल सके कि सूरज वगैरह को कौन सही से कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पे सूरज की फोटो तो यहाँ पे लावा के अंदर सही आ रही है, पर अगर बादल वगैरह देखोगे देखिए वो यहाँ पे मोटो के अंदर सही से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, देखिए बहुत सारी फोटोज हमने क्लिक की है। और दोस्तों ये हमने लो लाइट के अंदर क्लिक की, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा, देखिए डिटेल्स वगैरह जो है वो मोटो के अंदर सही देखने को मिल रही है, पर लावा के अंदर काफी ज्यादा गोरा कर देता है देखिए। और ये देखिए इस फोटो को देखिए, अब यहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है पीछे से लाइट आने के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे पूरा व्हाइट व्हाइट हो चुका है और पीछे की कुछ भी चीजें नहीं दिख रही है पोर्ट्रेट के अंदर, जबकि यहाँ पे मोटो के अंदर देखोगे स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, पर जो पीछे की चीजें वगैरह है उनको सबको अच्छे से मेंटेन कर देता है। और ये देखिए हमने बैक कैमरा से क्लिक किए, जैसे ही जूम करते हैं यहाँ पे जो डिटेल्स है ये देखिए लावा के अंदर सही देखने को मिल रही है। और जूम करते हैं देखिए, और यहाँ पे मोटो के अंदर देखोगे यहाँ पे पीला पीला सा हो चुका है। और दोस्तों इस फोटो को देखिए, इससे आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए पीछे से लाइट आ रही थी तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो चुका है, जबकि इसके अंदर ना मोटो के अंदर ही देखिए स्किन का कलर थोड़ा चेंज हुआ है, पर यहाँ पे जो चीजें हैं पीछे की वगैरह वो सब कुछ सही कर देता है। और दोस्तों अगर जूम की बात करें तो ये देखिए 1x के अंदर है दोनों के अंदर ही, और ये है 5x के अंदर, और ये है 10x के अंदर लावा के अंदर, और जो मोटो है इसके अंदर हम 8x तक ही जूम कर सकते हैं। तो देखिए भाई जूम की अगर बात करें वो तो यहाँ पे मोटो के अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है, देखिए आप क्लियरली देख सकते हो, देखिए मोटो के अंदर जो जूम की क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर दोनों का कैमरा देखोगे तो मैं यही कहूंगा ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, पर अगर दोस्तों देखे ना लाइट वगैरह को तो यहाँ पे मोटो ना लाइट वगैरह को काफी अच्छे से कंट्रोल कर देता है और काफी अच्छी डिटेल्स दे देता है। दोस्तों आपने फोटोज तो देख ही लेंगे, आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि दोनों में से कैमरा किसका बेस्ट है। और अगर दोनों के अंदर वीडियो की बात करें ना तो लावा के अंदर आप बे कैमरा से 2K तक वीडियो बना सकते हो, जबकि मोटो के अंदर हम 1000 से 30fps तक ही बना सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सा सही है। अगर मैं मेरी राय आपको दूं तो देखिए, अगर आपको लेदर की डिजाइन चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, एक हल्का स्मार्टफोन चाहिए, एकदम सिंपल सा स्मार्टफोन चाहिए, तो आप ना यहाँ पे मोटो की तरफ जा सकते हो। पर अगर आपको पीछे यहाँ पे ग्लास चाहिए, जो कैमरा का मॉड्यूल है, पीछे आपको रिंग लाइट चाहिए, या फिर दोस्तों आप मतलब लावा की ब्रांड को ज्यादा पसंद करते हो तो आप लावा की तरफ भी जा सकते हो। तो यार दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, कौन सा खरीदने वाले हो, कौन सा खरीदा है, जरूर कमेंट कीजिए। और यार वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल रही, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।